गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, जिसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 कंबाइंड है इंडिया बुक का। तो उसमें हमने 1967 इलेक्शंस तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस एंड द रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। तो हमने 1967 में पढ़ा कि कैसे कांग्रेस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, ठीक है। जो पॉलिटिकल अर्थ को एक आ गया था एक तरीके से, उसके जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो हार गए थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, स्टेट में हार गई थी कांग्रेस। देन डिफेक्शन की वजह से बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस का रूल ख़त्म हो गया, ठीक है। कोलिशंस बननी शुरू हो गई स्टेट्स में, ये सब हमने पढ़ा 1967 इलेक्शंस में। अब क्या होगा, अब कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट आ जाएगा कांग्रेस में। इंदिरा गांधी की पार्टी अलग हो जाएगी एंड जो उसके दूसरे लीडर्स हैं, पावरफुल लीडर्स हैं, वो अलग पार्टी बना लेंगे। तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे उनमें स्प्लिट हुई। तो देखो, कांग्रेस जो है अब एक मेजॉरिटी उसकी रिड्यूस हो गई थी। पहले वो बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर से जीतती थी, लेकिन अब उसकी मेजॉरिटी बहुत कम हो गई थी लोकसभा में भी और स्टेट्स में भी, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में वो हार गई थी। उसके स्टार वार्ड्स जो हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो थे, जैसे के कामराज, अतुल्य घोष वगैरह, वो हार गए। ये हम सब ने पढ़ लिया था। अब क्या हुआ, अब कांग्रेस को एक इंदिरा गांधी को एक प्रॉब्लम फेस हुई विद इन हर पार्टी, दैट वॉज फ्रॉम द सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट उस ग्रुप को बोला जाता था विच कंसिस्टेड ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन द कांग्रेस। मतलब जो भी पावरफुल थे और जिनके पास बहुत इन्फ्लुएंस था, उन पर्टिकुलर पीपल को एक ग्रुप बना के बोला जाता था, जिसको क्या बोलते थे, सिंडिकेट, ठीक है। सिंडिकेट एक इनफॉर्मल ग्रुप था, मतलब किसी को बताया नहीं गया था कि ये एक फॉर्मली एक ग्रुप है, इनफॉर्मली उसको बुला लेते थे सिंडिकेट कह के, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने फॉर इंस्टॉलिंग इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी एक पॉलिटिकल नोवाइस थी, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कुछ लीडर्स के कहने पे इंदिरा गांधी को बना दिया गया, जिसकी कि वो हमसे सब कुछ पूछेगी, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक चलेगी। तो ये लीडर्स ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था और ये चाहते थे कि वो हमारी एडवाइस को फॉलो करे। ऑब्वियसली उन्होंने बनाया इस कारण था कि इंदिरा हमारी एडवाइजेस को फॉलो करें। अब ये लीड कौन कर रहे थे सिंडिकेट को, के कामराज, ठीक है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और सिंडिकेट के भी वो लीडर रह चुके थे। और कौन से लीडर्स थे इसमें, थे एस निजालिंगप्पा, ठीक है, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, मतलब जो पावरफुल लीडर्स थे, ठीक है। इन दोनों ने इन सभी लीडर्स ने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को सपोर्ट किया था फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कांग्रेस में स्प्लिट हो जाएगी, जिसमें जो सिंडिकेट है वो कांग्रेस ओ बन जाएगी एंड कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी बन जाएगी। वो हम पढ़ेंगे अभी। जब सिंडिकेट ने एक्सपेक्ट किया कि इंदिरा गांधी उसके साथ उनके एडवाइस को फॉलो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा एजर्टेड हर पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन खुद बनाई एंड ट्रस्टेड द ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स आउटसाइड द पार्टीज। उसने एडवाइस ली सिंडिकेट की, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की नहीं, बल्कि कुछ और लोगों की जो कि पार्टी में नहीं थे। जिससे कि सिंडिकेट को प्रॉब्लम हो रही थी कि अभी इंदिरा गांधी खुद अपनी लीडरशिप के साथ काम कर रही है और हमारी जो इन्फ्लुएंस है, हमारा पावर जो है वो कम हो रही है, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इट साइड लाइन द इंडिकेट सिंडिकेट, उन्होंने सिंडिकेट को साइड लाइन कर दिया, मतलब उनको ज़्यादा उनकी पावर को अपने ऊपर चलने नहीं दिया। तो इंदिरा गांधी को दो चैलेंजेस फेस हुए। पहले तो उसको अपनी रिस्टोर करनी थी कांग्रेस की पोजीशन, जो कि 1967 इलेक्शंस में उनकी बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो गई थी कांग्रेस की। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इंडिपेंडेंटली वर्क करना था सिंडिकेट से, मतलब सिंडिकेट को छोड़ के उसने अपनी पोजीशन को एक अलग तरीके से दिखाना था, इंडिपेंडेंट दिखाना था। तो उसने क्या किया, अपने 1967 इलेक्शंस की पोजीशन को ठीक करने के लिए उसने अभी एक बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस लाने शुरू किए इंडिया में। उन्होंने साफ साफ बोला कि हम एक लेफ्ट ओरिएंटेशन है। लेफ्ट ओरिएंटेशन मतलब कि हम एक सोशलिस्ट पार्टी, हम एक स्टेट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है। उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, 10-point प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, ठीक है। उन्होंने एक सीरीज ऑफ पॉलिसीज इनिशिएटिव्स लाए, ठीक है, और उन्होंने 10-point पॉलिसी लॉन्च की। इसमें क्या क्या था, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, मतलब बैंक्स को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। नेशनलाइजेशन किया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन, देन सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, जो भी अर्बन की जो अर्बन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी बहुत ज़्यादा हाई एरियाज थे, बहुत बिग एरियाज थे, उनको सील किया, उनको पकड़ के उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनसे कि जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक होता है उनको वो डिवाइड कर देते हैं पुअर पीपल के अमंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम रेट्स में। देन लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, मतलब ये सारी पॉलिसीज इंदिरा गांधी लेके आई ताकि लोग उसको पसंद करें एंड फिर से
कांग्रेस की अपोजिशन जो है वो रिस्टोर हो। और लेकिन सिंडिकेट इनमें क्रिटिकल थी। सिंडिकेट ऑल्दो सिंडिकेट मैनेज सिंडिकेट ने माना था कि कांग्रेस की लेफ्ट ओरिएंटेशन है, लेकिन फिर भी वो सारे जो ये प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी लेके आ रही थी उनसे उनको प्रॉब्लम थी, क्रिटिकल थे वो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब तक जो हो रहा था वो इनफॉर्मली हो रहा था कि हमने देखा कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में डिवीजन शुरू हो गई थी, लेकिन एक फॉर्मली स्प्लिट नहीं आया था बिटवीन द कांग्रेस एंड द कांग्रेस सिंडिकेट। तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब होंगे अब एक फॉर्मल स्प्लिट आ जाएगा बिटवीन द इंदिरा गांधीज पार्टी एंड द सिंडिकेट। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे 1969 में आफ्टर जाकिर हुसैन डेथ, जो जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ के बाद वैकेंसी आ गई थी, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे 1969 में। और 1967 में जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के। ठीक है, 2 सालों के बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे। तो अब क्या हुआ, 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए, एन संजीवा रेड्डी एंड वीवी गिरी। अभी एन संजीवा रेड्डी को सिंडिकेट वाले लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और एन संजीवा रेड्डी कौन थे, ये स्पीकर थे लोकसभा के और राइवल भी थे इंदिरा गांधी के, एंड ये सिंडिकेट इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वीवी गिरी जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट मतलब जाकिर हुसैन के टाइम पे ये वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालते थे, एंड इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट किया। और ये किसी मतलब कि ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी की पार्टी से ये खड़े हुए थे, नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मतलब अपनी मर्जी से ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे। अब क्या हुआ, इसमें मुरारजी देसाई ने प्रॉब्लम्स हुई बिटवीन मुरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन की 14 बैंक्स को सीधा नेशन के कंट्रोल में उसने रख लिया, और उन्होंने प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। मतलब जो भी पेंशन, प्रीवी पर्स क्या है, पेंशन एक अमाउंट देती थी गवर्नमेंट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, उनको एक पेंशन देती थी एक तरह का कि आप हमारे इंडिया को ज्वाइन की कर लिया आपने, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़े पैसे देंगे। तो उन्होंने वो प्रीवी पर्स को भी अबॉलिश कर दिया, जिससे कि इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई में प्रॉब्लम शुरू हो। और मुरारजी देसाई उस टाइम कौन सी पोजीशन पे थे, वो डिप्टी पीएम थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अराइज होने के कारण मुरारजी देसाई ने गवर्नमेंट को लीव कर दिया, छोड़ दी। तो वापस वहीं पे चलते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या हुआ। तो जब ऐसे वीवी गिरी और एन संजीवा रेड्डी में कंपटीशन हो रहा था, तो वहाँ पे जो एस निजालिंगप्पा थे, वो कौन थे, उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विप इशू किया, जिससे कि उन्होंने कांग्रेस एमपी और कांग्रेस एमएलए को बोला कि आप संजीवा रेड्डी को वोट करो। अब विप क्या है, विप एक मेंबर होता है जो कि डिसिप्लिन बनाने के लिए हेल्प करता है पूरी पार्टी में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विप मतलब एक ऑफिशियल को अपॉइंट कर दिया कि आप इस ऑफिशियल की बात मानते हुए आप सभी एमपीज और एमएलएस संजीवा रेड्डी के लिए वोट करोगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, रिक्वेशनड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए उन्होंने एक रिक्वेशनड मतलब एक रिक्वेस्ट की है उन्होंने। ठीक है, कि हमारी एक स्पेशल मीटिंग रख दी जाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन ये रिफ्यूज़ कर दी गई थी, इनको अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन जब ये रिफ्यूज़ कर दिया गया था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया कंसाइज वोट देंगे, मतलब आप अपने दिल से, आप अपनी मर्जी से वोट देंगे, किसी के ऑर्डर के नीचे आके नहीं देंगे। उन्होंने बोला आप फ्रीली वोट कीजिए, जिस मर्जी को कीजिए, आपको किसी का दबाव नहीं है, जिससे कि क्या हुआ, वीवी गिरी की विक्ट्री होगी, वो जीत गए एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी इस चीज़ के बाद एक फॉर्मल स्प्लिट आ गई कांग्रेस एंड कांग्रेस सिंडिकेट के बीच में। जो कांग्रेस सिंडिकेट थी उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलने लगे, ओल्ड कांग्रेस। ठीक है, सिंडिकेट के लोगों ने। देन इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कांग्रेस आर। कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग रिक्वेशन की थी जिससे कि उनको रिक्वेशनिस्ट बोला जाने लगा, एंड उनको एक नया नाम भी बोला न्यू कांग्रेस, जिससे कि एक फॉर्मली एक स्प्लिट आ गई, मतलब मानने लगे कि कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई। एंड ये कब हुआ था, नवंबर 1969 में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 1971 इलेक्शंस, कैसे कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को रीस्टोर किया। ठीक है, हमने पढ़ा कि 1967 इलेक्शंस के बाद अभी इंदिरा गांधी को चैलेंजेस जो फेस हो रहे थे, उसमें फर्स्ट चैलेंज था कि उसने अपनी कांग्रेस की पार्टी को रीस्टोर करना था, उसकी पोजीशन को रीस्टोर करना था। ठीक है, लेकिन अभी 1969 में प्रॉब्लम्स फिर से आ गई, कांग्रेस की स्प्लिट हो गई थी। तो स्प्लिट इन द कांग्रेस, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी बन गई थी, मतलब जिसमें बहुत कम लोग थे, मेजर जो लोग थे वो कांग्रेस ओ में थे। देन सपोर्ट ऑफ सीपीआई एंड डीएमके। अभी जो कांग्रेस आर थी, कांग्रेस आर इनको कौन कौन दो पार्टी सपोर्ट कर रही थी, एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके, द्रविड़ मुनेत्रा कुछागम, ये इनको सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस आर को। तो इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा अभी
रिस्टोर करने के लिए पोजीशन को, उन्होंने बहुत कैंपेनिंग की, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, लैंड सीलिंग्स की, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेनिंग भी विगरसली उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना है। और ये सब कुछ करने के लिए उन्होंने पार्टी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। मतलब लोकसभा में जो वो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर, उन्होंने ये कैंसिल कर दिया 1970 में कि हम दोबारा से सारे इलेक्शन करवा के दोबारा से अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेंगे, क्योंकि 1967 में इलेक्शंस हुए थे तो नेक्स्ट इलेक्शंस 1972 में होने थे, लेकिन उन्होंने ये कैंसिल करके 1971 में फिर इलेक्शंस होने पड़े। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कांग्रेस को हराने के लिए एक ग्रैंड अलायंस बना। अभी ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टी थी, ऑल नॉन कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टीज तो इनको सपोर्ट कर रही थी, नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज मिलके आ गई ताकि हमारी डिवीजन ना हो वोट्स की एंड हम कांग्रेस को हरा दें। अभी इनमें कौन कौन से थे, SSP संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल, इन सभी ने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया जिससे कि कांग्रेस को ये हरा सकेंगे। और इंदिरा गांधी क्या बोलती थी कि इनका एक ही नारा कि हमें इंदिरा हटाओ, ये इनका मेजर काम है। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी और CPI का जो अलायंस था उनका क्या स्लोगन था, गरीबी हटाओ, कि हमें गरीबी को हटाना है एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो हम। और इंदिरा गांधी को किन किन से सपोर्ट मिल रही थी, दलित से मिल रही थी, आदिवासी, वुमेन, माइनॉरिटीज, अनएम्प्लॉयड यूथ, लेबरर्स, ठीक है, सबसे एक सपोर्ट बेस बना लिया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इनको सबसे ये सपोर्ट मिल रही थी। ठीक है, अब 1971 के रिजल्ट्स में क्या हुआ, जब इलेक्शंस हो गए इनका रिजल्ट क्या निकला, जो कांग्रेस आर और कांग्रेस CPI की अलायंस थी, कांग्रेस आर और CPI की अलायंस थी, इंदिरा गांधी की पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 489 में से 375 सीट्स जो हैं, इतने वास्ट सीट्स जो हैं जीत ली, ठीक, सबसे ज़्यादा वोट्स थी जब से 1952 में इलेक्शंस होने लगे हैं। 1951 में 364 सीट्स जीती थी कांग्रेस ने, और अब सबसे ज़्यादा सीट्स थी 375 सीट्स एंड 48.4 वोट्स जो है अकेली कांग्रेस एंड CPI की अलायंस ने जीती। ठीक है, और इसमें से अकेली कांग्रेस, इंडिविजुअली कांग्रेस आर की, इंदिरा गांधी की पार्टी ने 352 सीट्स जीती, जिसमें 44% वोट्स इंदिरा गांधी को मिले एंड 23 सीट्स जीती CPI और बाकी की जो भी अलायंसेस थी। ठीक है, एंड कांग्रेस ओ या जिसको ग्रैंड अलायंस भी बोलने लगे थे, SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, जो सारी ग्रैंड अलायंस थी, इन्होंने 1/4 वोट्स जीती जितनी कांग्रेस आर ने जीती। ठीक है, एंड 16 सीट्स सिर्फ जीती इन्होंने कांग्रेस ओ ने लोकसभा में, और कंबाइंड मतलब पूरी ग्रैंड अलायंस की कंबाइंड वोट्स कितनी थी, सीट्स कितनी थी, लेस देन 40, मतलब इतनी कम सीट्स इन्होंने जीती। अब ही 1971 में वॉर छिड़ गई बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, वो वॉर किसके लिए थी, फॉर द लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इससे जब ये वॉर इंडिया ने जीती, इससे फर्दर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी हो गई, और ये ऑपोजिशन पार्टीज ने भी उनको एडमायर किया, उनकी पॉपुलैरिटी मिली, उनकी हेल्प की, मतलब उनको अप्रिशिएट किया। देन इंदिरा गांधी एक पुअर और अंडर प्रिविलेज लोगों की सपोर्टर बन के आई, एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर बन के आई, मतलब पूरा नेशन के लिए, जिसको बहुत अच्छे से नेशन के लिए काम करना आता है, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। एंड इसके बाद जब स्टेट इलेक्शंस होने थे 1972 में, उनमें भी कांग्रेस की पोजीशन जो है दोबारा से रिस्टोर हुई, और इंदिरा गांधी स्वेप्ट द स्टेट इलेक्शंस, मतलब पूरे स्टेट इलेक्शंस में वो जीत गई। और इन सभी कारणों से कांग्रेस की डोमिनेंस जो है वो रिस्टोर हो गई। 1967 इलेक्शंस के बाद जो इमेज उनकी ख़राब हो गई थी वो सारी दोबारा से बन गई। अभी रिस्टोरेशन में हमने पढ़ना है एक लास्ट की चेंजेस इन द न्यू कांग्रेस, वेदर दे आर गुड चेंजेस या कैसे चेंजेस आए हमारे न्यू कांग्रेस में। तो इनसे एक री इन्वेंशन हो गई कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अभी जो इंदिरा गांधी की पार्टी है उसमें बहुत कम लोग थे, इतने ज़्यादा फैक्शंस भी नहीं थी जो हमने पहले पढ़ी थी, सोशल फैक्शंस, आइडियोलॉजिकल कोलिशन वगैरह। ठीक है, और ये मेनली एक ही सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी के ऊपर बेस्ड थी, जो कि थी इंदिरा गांधी। और इनमें डिडंट अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट, क्योंकि ये मेनली सोशलिस्ट थिंकिंग के साथ चलती थी इंदिरा गांधी की पार्टी, तो जिससे कि सभी अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे इंटरेस्ट, एंड इट कुडंट अब्सॉर्ब ऑल द टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स, सारी टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स को नहीं लेके चल पा रहे थे साथ में, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेप्रिवेशन, ये सारी इंक्रीज होती जा रही थी। तो एक तरफ तो कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को रिस्टोर किया अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप, लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स भी साइड बाई साइड उनको फेस करने पड़े। ठीक है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 कंबाइंड हमारा खत्म हो गया। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।